हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जामिया 2021 बीए ऑनर्स साइकोलॉजी ज्योग्राफी सोशियोलॉजी का कट ऑफ इस साल क्या होने वाला है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया आई हैव डिसाइडेड कि इस साल का कट ऑफ क्या होने वाला। फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन का लेवल टफनेस डिफिकल्ट लेवल क्या था, ठीक है, एंड सेकेंड की नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे। तो इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिसाइड करा कि इस साल का कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले मैं दो बातें आपको और बता दूं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि भाई फॉर यूजी कोर्सेस या मास्टर्स कोर्सेस के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या जो डॉक्यूमेंट होते हैं लगता है, प्लीज आप बताएं, ठीक है। तो वो इसके लिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है कि आपको एडमिशन के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, बट यूजी स्टूडेंट्स के लिए एंड पीजी स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी तक बनाया नहीं है। बट हाँ, आपके रिजल्ट्स अभी काफी टाइम है बहुत सारे कोर्सेज के लिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए आप जरूर वेट करिए। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट कब अनाउंस होंगे आपके। तो अगर मैं बताऊं, इस साल जो टाइम लग रहा है एक्चुअली में मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग रहा है, ठीक है। हर साल ऑलमोस्ट 15-20 डेज के अंदर आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाते थे, बट इस साल कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। बट यू प्लेस कीप काम एंड आप जो है थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। कम से कम इस साल जो मुझे लग रहा टाइम 1 महीने तो लगेंगे आपके, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के 1 महीना टाइम लग रहा है, तो 1 महीना कम से कम तो वेट करना पड़ेगा। विद इन अ मंथ हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स के भी अनाउंस हो जाए, ठीक है। तो ये वाली बात थी रिजल्ट एंड आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि इस साल कट ऑफ क्या होने वाला है फॉर साइकोलॉजी सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जामिया 2021 बी ऑनर्स साइकोलॉजी का कट ऑफ क्या था लास्ट ईयर और इस साल क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्मॉल कंपेरिजन एंड देन आपका जो इस साल क्या होगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर इट वॉज फॉर जनरल 59.25 साइकोलॉजी में जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट था, ये फर्स्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। जामिया में एक कट ऑफ लिस्ट से कई कट ऑफ लिस्ट, मतलब एक से ज्यादा कट ऑफ लिस्ट आते हैं, ठीक है। एक भी आ सकता है, अगर सीट खाली है तो दो भी आएंगे, तीन भी आएंगे, ठीक है, चार भी आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सीट जो है वैकेंट रखकर रहता है कि नहीं रहता है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी का जो था आपका जनरल कैटेगरी 59.25 था। इस साल कि कट ऑफ में अगर बात करूं लेवल एंड आपके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, तो इस साल जो कट ऑफ हमें लगता है जो कट ऑफ जो होने वाला है 55 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी होने वाला है। एंड फॉर मुस्लिम लास्ट ईयर इट वाज 55.50। इस साल जो कट ऑफ होने वाला है 51 प्लस, ठीक है। 51 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, उससे आपका अबव जा सकता है मुस्लिम कैटेगरी के लिए, ठीक है। नाउ फॉर मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करें, मुस्लिम ओबीसी 53.00 आपका है, 53 था आपका लास्ट ईयर, ठीक है। इस साल जो कट ऑफ होने वाला है मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी के लिए इट कैन बी 48 प्लस, ठीक है। 48 मिनिमम आपका रहेगा और 48 प्लस आपका जो है जा सकता है, ठीक है। तो मुस्लिम वुमन की अगर बात करें इट वाज लास्ट ईयर 55, इस साल जो होने वाला है आपका जो मुझे लग रहा है कट ऑफ इस बार लिटिल बिट लो होगा आपका, ठीक है। तो 55 प्लस था लास्ट ईयर, 55 था मुस्लिम वुमन के लिए, इस साल जो होने वाला है वो 50 प्लस, ठीक है। नाउ इंटर जामिया इंटरनल की बात करते हैं, जामिया इंटरनल के लिए 54.25 था लास्ट ईयर, इस साल जो होने वाला है जो मुझे लगता है हमारा जो क्राइटेरिया जो हमने जो पैरामीटर्स को सेट किया था हमने उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 49 प्लस आपका जा सकता है, मिनिमम 49 रहेगा आपका जामिया इंटरनल के लिए, 49 प्लस जा सकता है पर, ठीक है। तो साइकोलॉजी का था ये, आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का, और मैं इस साल जो बताया आपने उसको अगर नहीं सुना तो एक बार आप जरूर देख लें पीछे करके, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीएस सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सोशियोलॉजी कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था और इस साल कट ऑफ क्या होने वाला है, हम उस पर बात करते हैं। तो बीए सोशियोलॉजी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर क्या था, ठीक है। जनरल के लिए इट वाज 60। इस साल की अगर हम बात करें, मैंने कहा ना इस साल जो क्वेश्चन का जो मैंने पैरामीटर्स हमने जो सेट करा है उसके अकॉर्डिंगली हमने हमें जो लगता है कि इस साल कट ऑफ लो हो सकता है, इसीलिए लास्ट ईयर था 60 और इस साल जो होने वाला है 56 प्लस, मिनिमम 56 रहेगा और 56 प्लस आपका जो है जा सकता है, ठीक है। नाउ देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, प्लीज आप इसको एज इट इज मान के ना चलिए, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट्स जो होते हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका जो खास करके जो ये आपके जो कट ऑफ है ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका जो यही हो सकता है, थोड़ा सा आगे या थोड़ा पीछे भी हो सकता है, पॉसिबल है। आप पहले मैं बता रहा हूँ, आप बाद में मुझे गाली मत देना, ठीक है। तो मुस्लिम वुमन की बात करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि भाई आप टिप्स देते हो, आप बनाते हो, आप अगर पढ़ लिए होते तमीज से तो आपको ये नौबत नहीं आती। मैं आपको उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं आपको कि जामिया से आप जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वहां से मैं पढ़ के निकल चुका हूँ, ठीक है। मैं गुस्से में नहीं हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक।
तो जामिया से आप जहाँ जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ से मैं पढ़ के निकल चुका हूँ। राइट नाउ आई एम स्टडिंग डेली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। ठीक है, अगर आपको पता नहीं नॉर्थ कैंपस के बारे में, यू जस्ट फाइंड आउट इट। ठीक है, तो ये आपको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता रहा था, आपको भावुक हो गया मैं लगता है। चलो कोई बात नहीं, मुस्लिम वुमन की बात कर रहा था मैं। तो सोशियोलॉजी में आपका मुस्लिम ओबीसी के लिए मैंने बताया आपको, सॉरी मुस्लिम के लिए था, मैंने जनरल के लिए बताया था। तो जनरल के लिए 60 था, सोशियोलॉजी के लिए और इस साल जो होने वाला 56 प्लस। मुस्लिम के लिए 54 था लास्ट ईयर, इट इस साल जो आपका होने वाला है वो 52 प्लस। ठीक है, 52 प्लस रहेगा ना। मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करें सोशियोलॉजी के अंदर, 51.25 था लास्ट ईयर, नाउ इस साल जो लग रहा है हमें वो 48 प्लस आपको लग रहा है इस साल हमें। ठीक है, मुस्लिम वुमन के लिए 51.50। ठीक है, और इस साल जो हमें लग रहा है ये 51.50 लास्ट ईयर था मुस्लिम वुमन के लिए, इस साल जो हमें लग रहा है वो 49 प्लस लग रहा है। ठीक है, 49 मिनिमम रहेगा आपका और 49 आपका जो है प्लस जा सकता है। ठीक, नाउ फॉर जामिया इंटरनल लास्ट ईयर इट वाज 58। ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए इस साल जो हमें लगता है आपका 54 प्लस लगता है। ठीक है, मिनिमम 54 रह सकता है और आपका जो है उससे ज्यादा जाएगा। ठीक, ज्यादा भी जा सकता है, 54 मिनिमम आपका है तो 54 प्लस आपका जाएगा। नाउ बी ए ज्योग्राफी की बात करते हैं हम। ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा कट ऑफ भी इसका कभी कभार ज्यादा जाता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर इट वॉज 60.25 फॉर जनरल कैटेगरी एंड इस साल जो हमें लगता है 57, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हमें जो हमारे जो पोल करा था हमने, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमें कहा कि ज्यादातर बच्चों का जो फर्स्ट चॉइस है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा इसलिए जो कट ऑफ इसका जो है ज्यादा जा सकता है। तो जनरल के लिए 60.25 था लास्ट ईयर, इस साल जो आपका होने वाला है 57 प्लस आपके जा सकता है। ठीक है, मुस्लिम के लिए अगर हम बात करें 54 था लास्ट ईयर, इस साल जो हमें लग रहा है 51 प्लस लग रहा है आपका। ठीक, और मुस्लिम अगर ओबीसी की बात करें, एसटी की बात करें, लास्ट ईयर इट वॉज 52.50, इस साल हमें 50 प्लस लग रहा है। ठीक है, मुस्लिम वुमन की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर इट वॉज 50.75 एंड इस साल जो हमें लग रहा है वो है 48 प्लस। तो लास्ट ईयर का जो हमने कट ऑफ लिस्ट है आपको मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख भी सकते हैं जब हम जिसके बारे में बात करेंगे उसके बारे में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आप देख लेना। मुस्लिम वुमन के लिए इस साल लास्ट ईयर जो था आपका वो 50.75 था, इस साल जो होने लग रहा है 48 प्लस। ठीक है, और इंटरनल की बात करें अगर हम, जामिया इंटरनल के लिए 52.50 लास्ट ईयर था, इस साल जो हमें लग रहा है 49 प्लस हमने ये डिसाइड करा है। एज आई सेड अर्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैरामीटर्स हमने ये डिसाइड करा है, जो हमने बता भी दिया क्या क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, दो तो हमने नाम लिया और कुछ भी है और भी कुछ सारी चीजें हमने बताया नहीं आपको, तो कुछ तीन चार क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने, पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने डिसाइड करा कि साल कट ऑफ क्या होने वाला है। सो आज के लिए बस ये था, कट ऑफ के बारे में हमने बात करा। ठीक है, रिजल्ट के बारे में आपको बता दिया कि आप कम से कम एक महीना वेट कर लें और जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके वीडियो है वो बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, वो हम जरूर बनाएंगे, बताएंगे आपको। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी अपडेट या जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टेप स्टेली। और हाँ, अगर आपको लगता है क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है तो बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि आप अगर क्रिटिसाइज करते हैं ना तो वी गेट अ चांस टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, तो आप जरूर क्रिटिसाइज करें। थैंक यू सो मच।